हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल जनरल नॉलेज फॉर एवर में। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ, तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की जानकारी लेके आया हूँ। ये जानकारी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, तो चलिए इस जानकारी को याद करते हैं। तो नंबर 10 पे है एकना क्रिकेट स्टेडियम। ये इस लखनऊ में स्थित है, ये भारत में है। इसका निर्माण सन 2017 में हुआ था। इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। लखनऊ में स्थित इस स्टेडियम में अब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं किया गया। इस क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच 2017-2018 के दिलीप ट्रॉफी के लीग मैच के रूप में आयोजित किया गया था। नंबर 9, एडिलेड ओवल। ये एडिलेड शहर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका निर्माण सन 1871 में हुआ था। इसमें 53,583 दर्शक एक साथ मैच देख सकते हैं। अपने ओवल अर्थात अंडाकार आकार के कारण इस स्टेडियम को ओवल कहा जाता है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 12 से 16 दिसंबर 1884 को टेस्ट मैच के रूप में आयोजित किया गया था। नंबर 8, डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये नवी मुंबई भारत में स्थित है। इसका निर्माण सन 2008 में हुआ था। इसमें 55,000 दर्शक एक साथ क्रिकेट मैच देख सकते हैं। नई मुंबई में स्थित इस स्टेडियम का प्रयोग भी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल मैचों के आयोजन के लिए किया जाता है। इस स्टेडियम में अब तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं हुआ है। इस स्टेडियम में 2008 और 2010 में IPL का फाइनल मैच आयोजित किया गया था। नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये कोची भारत में स्थित है। इसका निर्माण सन 1996 में हुआ था। इसमें 55,000 दर्शक एक साथ क्रिकेट मैच का आनंद ले सकते हैं। केरल के कोची में स्थित इस स्टेडियम का प्रयोग क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल मैचों के आयोजन के लिए भी किया जाता है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 अप्रैल 1998 को वनडे मैच के रूप में आयोजित किया गया था। नंबर 6, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ये त्रिपुरम भारत में स्थित है। इसका निर्माण सन 2014 में हुआ था। इसमें भी 55,000 दर्शक एक साथ क्रिकेट मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल मैचों का भी आयोजन किया जाता है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच 7 नवंबर 2017 को T20 मैच के रूप में आयोजित किया गया था। नंबर 5, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये हैदराबाद में है, हैदराबाद भारत देश में है। निर्माण इसका 2003 में हुआ था। इसमें 60,000 दर्शक एक साथ मैच देख सकते हैं। हैदराबाद में स्थित इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच 12 और 16 नवंबर 2010 को टेस्ट मैच के रूप में आयोजित किया गया था। यह स्टेडियम IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड है। नंबर 4, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण सन 2008 में हुआ था। इसमें 65,000 दर्शक एक साथ क्रिकेट मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। भारत के भूतपूर्व क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर ने इस स्टेडियम को विश्व के बेहतरीन स्टेडियम में से एक बताया है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच 2010 में कनाडा की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और छत्तीसगढ़ रणजी टीम के बीच अभ्यास मैच के रूप में आयोजित किया गया था। इस स्टेडियम में अब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं किया गया है। नंबर 3, ईडन गार्डन। ये कोलकाता में स्थित है, भारत में। इसका निर्माण 1864 में हुआ था। इसमें
66,349 दर्शक एक साथ क्रिकेट मैच देख सकते हैं। हिडन गार्डन को भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है और यह भारत का सबसे लोकप्रिय तथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 5-8 जनवरी 1934 को टेस्ट मैच के रूप में आयोजित किया गया था। नंबर 2, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये मेलबर्न शहर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका निर्माण 1853 में हुआ था। इसमें 1,24,000 दर्शक क्रिकेट का लुफ्त उठा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में के मेलबर्न में स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड अपने 1,24,000 दर्शक की क्षमता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसे में बैठकर क्रिकेट देखने का एक अलग ही रोमांच है। क्रिकेट के इतिहास का पहला टेस्ट मैच 15-19 मार्च 1887 इसी ग्राउंड पर खेला गया था। नंबर 1, यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये कहीं और ही नहीं हमारे ही देश भारत में स्थित है। इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सन 1982 में हुआ था और इसका मरम्मत इसी साल यानी 2020 में किया गया। इसमें 1,10,000 लोग एक साथ मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके निर्माण में 700 करोड़ रुपए की लागत बैठी थी। और अब इसके बारे में जानते हैं। इस स्टेडियम में 50 से अधिक कमरों के साथ एक क्लब हाउस, 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, 4 ड्रेसिंग रूम और क्रिकेटरों के लिए 3 अभ्यास मैदान, 1 इंडोर क्रिकेट प्रशिक्षण अकादमी, 1 ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल, 1 पार्किंग क्षेत्र है जो लगभग 3,000 चार पहिया वाहन यानी कि 3,000 फोर व्हीलर्स कार्स के लिए है, 10,000 दो पहिया वाहन यानी कि बाइक के लिए 10,000 से अधिक पार्किंग दे सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा स्टेडियम का नाम पता था, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।